मंदिरों पर माफियाओं के कब्जे पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने माफियाओं के खिलाफ भरी हुंकार। शहर में 6 मंदिरों पर है अवैध कब्जा। नहीं खाली किया कब्जा तो होगी आर पार की लड़ाई। डीएम से मिला विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधि मंडल। डीएम ने मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर दिए जांच के निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट को जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मंदिरों पर होने वाले अतिक्रमण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सीतापुर जिले के अंदर हुंकार भर दी है। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह समय रहते इसे खाली करने। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी से मिला और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि वह मंदिरों की सर्वेक्षण सर्वे कराकर उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस समय हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो क्या उनका मैटर है और वो ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जिन पर भूमाफियाओं और दबंगों ने कब्जा कर रखा है। ये क्या मैटर है विपुल सिंह जी, और ये क्या मामला है? आप डीएम से आज क्या मिलने क्यों आए थे? सीतापुर के बहुत प्राचीन मंदिर हैं जिन पे अवैध कब्जा है, अतिक्रमण किया गया है, कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ अस्थायी अतिक्रमण है। ऐसे विश्व हिंदू परिषद ने सर्वे कराया है, करीब 6 मंदिर ऐसे आए हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो कौन कौन से 6 मंदिर हैं जिन पर अतिक्रमण है? एक शिव मंदिर है, नारायण नगर मंडी गेट के पास में है, उसमें आगे मैकेनिकों ने खोखे रख के उसको अतिक्रमण उसका रास्ता बंद कर दिया। एक बाल संकट मोचन मंदिर है ट्रांसपोर्ट चौराहे पे, उस पर कुएँ को बिल्कुल बंद कर रखा है, दोनों तरफ से दुकानें अतिक्रमण की गई हैं और वो रास्ता पूरा बंद कर दिया, मेन गेट पे खोखा रख दिया गया। शिव मंदिर दरी मंडी का एक है शिव मंदिर, उस पर तो भूमाफिया जो है जिनकी कुड़क संपत्ति की गई है उनके द्वारा भी उस पर कुएँ को बंद करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी गई है, दुकानें बना दी गई और दुकानें कर दी गई हैं। ऐसे ठाकुर द्वारा बांके बिहारी रंपा रोड पर है, इसमें गोदाम बने हुए हैं अंदर की दुकानों में और जूते चप्पल जैसे का गोदाम बना हुआ जो मंदिर में ठीक नहीं है। शिव मंदिर रानी कोठी में है, इसमें एक विशेष क्षेत्र के लिए ही इनको बंधित कर दिया गया कि सिर्फ बटगंज के लोग ही या रानी कोठी के लोग ही इसमें पूजा कर सकते हैं, वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। शिव और राम जानकी मंदिर पुराना धर्मशाला जेल रोड पे, वहाँ भी आराम कर सकते हैं, वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। शिव और राम जानकी मंदिर पुराना धर्मशाला जेल रोड पे, वहाँ भी आराम मशीन है, उस आराम मशीन की लकड़ी और उससे पूरा अतिक्रमण कर दिया गया है, आने जाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज आप डीएम से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है तत्काल अस्थायी जो है वो तुरंत हटाना चाहिए, सिटी मजिस्ट्रेट को आदेशित कर दिया है कि टीम लेकर ये अस्थायी वाले कराए और जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए उसकी और प्रक्रिया जो होती है वो करके उसको गिराया जाएगा। विपुल सिंह जी का कहना है कि वो डीएम से मिले हैं और उन्होंने इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित भी कर दिया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए। सीतापुर दैनिक भास्कर से नमन अवस्थी के साथ हरिओम अवस्थी की ये रिपोर्ट।